फ्रेंड्स, फिर से स्वागत नई वीडियो में। आज की वीडियो में बताने वाली हूँ टच साउंड को कस्टमाइज़ कैसे करें, फ्रेंड्स इनेबल और डिसेबल कैसे करें। और फ्रेंड्स, मेरे पास है इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक और बात बताना चाहूँगी, अगर मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे का ऑप्शन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग पर जाने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको साउंड वाइब्रेशन पर क्लिक करना है। साउंड वाइब्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको यहाँ लिखा है टच साउंड, आप यहाँ से आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इनेबल और डिसेबल, मतलब कि टर्न ऑन ऑफ। और फ्रेंड्स, साथ में आपको एक और सेटिंग के ऊपर बता देती हूँ, यह टच वाइब्रेशन, आप इसे भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर लिखा है चार्जिंग साउंड, आप इसे भी इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आप चार्ज में लगाओगे तो ये कस्टमाइज़ करेगा, मतलब वाइब्रेट करेगा ये, आप लगा रहे हैं नहीं लगा रहे। और फ्रेंड्स, ये स्क्रीन लुकिंग साउंड, आप इसे भी इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। ये डायल पैड टोन, आप इसे भी इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप सीख ही चुके हैं कि टच साउंड को कस्टमाइज़ कैसे करते हैं, यानी कि इनेबल और डिसेबल। और फ्रेंड्स, आप इसी तरीके से आप अपने फ़ोन में टच साउंड को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। आई होप दिस मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार।